स्वतंत्र अधिकार होना चाहिए, फाउंडेशन ही होना चाहिए, ग्राम सभा के अधिकार को हनन हो रहा है, उसमें फाउंडेशन क्यों लगाते हैं? अभी चर्चा हुई है, बड़े माहौल अच्छे माहौल में हुई है, स्वार्थपूर्ण वातावरण में हुई है, काफी चीजों पर सहमति बन गई। दो दिन हो गए हमें यहाँ पे बैठा के रखा और उसके बाद में हमें आज ये रिजल्ट दिया है सरकार ने कि आप चले जाओ, कोई मीटिंग नहीं है। ये आंदोलन बहुत बड़े लेवल पे जाने वाला है और बारूद के रूप में पेश होगा। आप किसी कीमत में जो भी सरपंच है, आम ग्रामीण है, पीछे नहीं हटने वाले। आप देखना 17 को उस दिन से भी दो गुना तीन गुना ज्यादा। सरकार और सरपंचों के बीच फिर दाल नहीं गली। बैठक में न समाधान निकला और न सरपंचों की परेशानियों का कोई हल। बैठक पर बैठक और तारीख पर तारीख। ई टेंडरिंग पर उठे सरपंचों को मनाने के लिए खुद सीएम खट्टर ने मोर्चा संभाला, मगर फिर भी बात नहीं बनी। हरियाणा सरपंच एसोसिएशन और मुख्यमंत्री के बीच दो दिनों तक चली मैराथन बैठक बेनतीजा रही और इन बैठकों के इस दौर के बाद ऐसा लग रहा है कि सरपंचों ने सरकार के साथ सीधा युद्ध का ऐलान कर दिया है। स्वतंत्र अधिकार होना चाहिए, फाउंडेशन नहीं होना चाहिए, ग्राम सभा के अधिकारों को हनन हो रहा है, उसमें फाउंडेशन क्यों लगाते हैं? सर, संविधान के देखो, जहाँ तक लग रहा है हमें गुमराह करने की कोशिश की गई है। क्यों? क्योंकि दो दिन हो गए हमें यहाँ पे बैठा के रखा और उसके बाद में हमें आज ये रिजल्ट दिया है सरकार ने कि आप चले जाओ, कोई मीटिंग नहीं है। क्यों? हम जो नेगेटिविटी से नहीं आए थे, हम पॉजिटिव विचारों के साथ यहाँ पे आए थे। मीडिया के सामने हमने बयान भी दिए थे कि सीएम साहब से हमारी बात होगी और पॉजिटिव होके हम आए थे कि आपको ये कहा था कि हमें नेगेटिव करने की आप बात ना करें, हम पॉजिटिव विचारों के साथ आज यहाँ आए हैं। पर जो सरकार ने आज हमारे साथ किया है वो बहुत ही गलत कदम उठाया इन्होंने। क्यों कि देखो, हम बता नहीं सकते इस चीज़ को, जो भी है हमने मीटिंग के अंदर जो बातें रखी थी उसमें जो हमारे स्वतंत्र अधिकारों की बातें आई थी वो स्टार्टिंग से लेके और लास्ट तक उस पर कोई चर्चा नहीं की गई। लास्ट में बोले इनको साइड में रखो, वो लास्ट में चर्चा करेंगे। वो लास्ट में चर्चा हुई तो उसके लिए मीटिंग का टाइम मांगा कि उसमें चर्चा करके हम आपको बताएंगे। उसके बाद में भी मीटिंग होती है कि उन पर कोई सहमति नहीं मिली, 5 लाख की सहमति बनी थी और उसके बाद में आज का टाइम दिया था हमें, तो आज हमें कोई मीटिंग का टाइम नहीं। मेरा सवाल है, आज आपने इतनी देर बात की, कल भी इतनी, ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी आएंगे। मैं बार बार पहले भी कह चुका हूँ, ये सरपंचों का आंदोलन नहीं है, ये गाँव देहात के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति का आंदोलन है। देखो, आज इन्होंने सरकार ने ना आंदोलन को चिंगारी के रूप में छेड़ा है। ये आंदोलन बहुत बड़े लेवल पे जाने वाला है और बारूद के रूप में पेश होगा। अब किसी कीमत में जो भी सरपंच है, आम ग्रामीण है, पीछे नहीं हटने वाले। सरपंच अब आर या पार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर पंचकुला संग्राम का गवाह बनेगा, क्योंकि 17 मार्च को सरपंच विधानसभा का घेराव करने की तैयारी में है। सरपंचों ने सरकार को खुली चेतावनी दे डाली है कि एक बार फिर वे पंचकुला कूच करेंगे और पहले से बड़ी तैयारी के साथ सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। 17 मार्च का प्रदर्शन पिछले दिनों पंचकुला में हुए प्रदर्शन से भी कई गुना बड़ा होगा। हमारी पूरी तैयारी, हम 17 के लिए पूरी तैयारी करेंगे, अपने अपने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बताएंगे सारी चीजें। आप देखना 17 को उस दिन से भी दो गुना तीन गुना ज्यादा। पंचकुला इकट्ठे होंगे, हम विधानसभा का घेराव करेंगे, आगे मर्जी सरकार की, ऐसे लोग नहीं जुड़ेंगे। क्या प्रस्ताव करती है? पंचकुला पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज की वजह से हरियाणा के सरपंच भड़के हुए हैं। सरपंच सरकार पर अत्याचार करने और तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगा रहे हैं। उनका तो ये तक कहना है कि अब गांवों में बीजेपी और जेजेपी के विधायकों तक को घुसने नहीं दिया जाएगा। सरकार के लिए ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल गले की फांस बनते जा रहे हैं, मगर ना जाने क्यों सरकार इसे किसी कीमत पर वापस लेने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ सरपंचों ने सरकार के खिलाफ जो बिगुल फूका है वो अब ई टेंडरिंग को शायद क्लाइमेक्स की तरफ ले जाएगा। आपको क्या लगता है, सरकार सरपंचों के आगे झुकेगी या फिर नहीं? कौन सही है और कौन गलत, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।